सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है दशहरा और आज हम जाने वाले हैं अपने गांव में। तो हमारे गांव में प्रथा चली आती है कि हमारे गांव में रावण जलाया जाता है और एक मेले का आयोजन भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार, हम पहुँच चुके हैं अभी लाल कुआं पे और ये आ चुका है हमारा दादरी सिकंदराबाद बाईपास। तो ये सीधा बाईपास जाएगा हमारे गांव में और यहाँ पर हम निकल चुके हैं भाई सफ़र पे। तो कभी वासु आगे, कभी हम पीछे, कभी हम आगे, कभी वासु पीछे। तो वासु को इच्छा हुई है कि भाई बुलेट चलाने की, तो ठीक है। तो भाई नहीं बैठे क्योंकि भाई को लगा कि यार ये सही नहीं चला पाएगा, बट वासु बहुत परफेक्टली ड्राइव कर रहा था और हमें पता चला कि यार स्प्लेंडर पे बैठ के कि स्प्लेंडर क्या होती है, स्प्लेंडर स्प्लेंडर होती है और बुलेट बुलेट होती है, तो दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर गलत रास्ते पर उतर गया, तो मैंने बीच में से ही बाइक को निकाल दिया। तो वासु वेट कर रहा था उधर और हम पहुँच ही चुके हैं अपने गांव में। तो ये गांव का रास्ता आ चुका है और हम अब सीधे गांव के रास्ते पे आ चुके हैं। तो यार मिलते हैं फिर सीधा गांव में। तो यार यहाँ पे मेला की तैयारी चालू हो रही है और वो रावण का पुतला है, रावण खड़ा हुआ है। और यहाँ पे अभी शाम को आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना क्राउड इकट्ठा होने वाला है, आसपास के गांव के लोग आने वाले हैं, अपना गांव तो पूरा आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर मतलब एक ग्राउंड जो है पूरा फुल होने वाला है ये, तो अभी पता चलेगा आपको शाम को। और बहुत सारी दुकानें लगने वाली हैं, अभी तो स्टार्टिंग है केवल ये। तो अब हम सीधा अपने घर चलेंगे। सबसे पहले ये बड़ा स्कूल है अपना, आप जानते हैं, पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो हमारे गांव में क्या है कि गांव के बाहर भी जो है आने लगते हैं। तो फाइनली वेट इज ओवर, अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो भाई ये छोटे छोटे बच्चे जो है, जब भी मैं देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। और ये है विराट और इधर ताई हैं, दोनों ताई हैं, वो हेमंत की मम्मी है, उधर जो खड़ी है जिससे बाजू मजाक कर रहा है। तो एक जब भी हम गांव में जाते हैं तो एक मजाक जैसा माहौल, मतलब हंसी मजाक वाला माहौल जो है वो बन जाता है। तो अब हम चलने वाले हैं अपने घर पे। तो घर पे जब भी हम जाते हैं तो कुछ पौधे वगैरह लेके आते हैं, फुलवाड़ी वगैरह, तो वो हम बोते हैं, उससे क्या है थोड़ा सा अच्छा लगता है, फूल वगैरह होते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी हम चल रहे हैं अपने घर के अंदर। तो भाई यहाँ पर जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो हमारे भाई जो हैं वो खेती का काम चालू कर देते हैं, ये पौधे वो पौधे। तो अभी हम चल रहे हैं भाई, हेमंत चाय बनाने वाला है, तो चाय जो है बहुत स्पेशल है हेमंत की। हेमंत क्या है, ऐसा लड़का है कि जहाँ भी होगा वहाँ रंग जमा देगा, मतलब हंसी मजाक और मतलब मजा ही दिला देता है ये, मतलब स्पेशल बन रहा है अपने लिए। तो ये नहीं होगा व्लॉग में तो मज़ा आने ही नहीं वाला है। तो ये हेमंत का घर है, हेमंत के घर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे चाय बनाता है हेमंत, रसोई है हेमंत की। साले कुछ ही मत दिखाएगा, बोलो साले डिग्री जो होने लगे। अरे हाँ, अब रियलिटी दिखा रहे हैं, रियलिटी। तो हम लोग चाय कैसे बनाएंगे? वही जाएगा नहीं बताएंगे, तो भाई हेमंत ने चाय बना दी है
मैं कौन सी आ रही है फाइनल चाय बन चुकी है और हम टेस्ट करके देंगे मैं कौन सी आ रही है बढ़िया बनी है भाई सब चीजें तो बहुत अच्छी चाय बनाई है हमने हेमंत अपनी महफिल में बैठा और हेमंत अपनी महफिल में हां भाई कौन है तू ओ पुलिस को देखो अच्छा और भाई ये बंदा पुलिस बन चुका है देख लो भाई ये बंदा मुझे ले जा रहा जेल में क्योंकि ये जुर्म है जुर्म तो बता दे क्या कर रहा है कुत्ता का हाथ में पुलिस का तो इसको लग रहा है वो पुलिस चोरी करी है किसी की चोरी करी है सब कुछ और वगैरह दिखा रहा है चलो हमें कोई मतलब रियलिटी दिखाते नहीं ये कंटेंट वाले लोग हैं कंटेंट देते हैं ये जानता कैसा करना तो अभी हम जाने वाले हैं एक शिव मंदिर पे बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और वहाँ पर शिवलिंग जो है स्वयं खुद से जमीन से उत्पन्न हुआ था तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है और अब ये नया बन रहा है यहाँ पे तो ये है वो शिव मंदिर और हम बचपन में खूब आते थे यहाँ पर जो शिवरात्रि होती है उस दिन यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं और एक छोटा सा मेला भी लगता है यहाँ पे अभी तो नहीं लग रहा है क्योंकि आज आ रहा है ना बेला है अभी आ जाते बात कर रहे हैं ना लोटे बेला की यहाँ लगना कौन सी लगना हाँ रिश्ते की बात चल रही है अभी कह दिया अभी मैं जो तो है होटल वहाँ जो है होटल में चाय पानी या तो बर्तन वाले वाले जी होटल में बात कर तो हमारे गांव में क्या होता है कि लोग बाहर काम करते हैं तो होली दिवाली या फिर जितने भी त्यौहार हैं गांव में आते हैं और ऐसे ही मतलब एक माहौल सा बन जाता है हंसी मजाक का और बहुत मजा आता है सर आपने क्या नहीं 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 पीछे पीछे ऐसे बदतमीजी नहीं चलेगी क्या करा आपने काम में बीडीसी जीते आपने एक पेप्सी की बोतल भी नहीं खोली है पेप्सी क्या कहना चाहते हो आप पेप्सी की बोतल बांटी थी पर लोकल बांटी थी अच्छा अच्छा बेकार बिगाड़ रहा था पंगा क्या बताओ बेकार आदमी है सत्तू सत्तू शूटर ये हमारे गांव के सारे कह रहे हैं भैया सही बात है गलत है अरे ये बीडीसी बन गए इन्हें ना कुछ भी काम नहीं कराया अभी तक भैया ये इनके भैया है ये सप्लायर है ये हरिराम शूटर तो ये जो है ये मेरे जो चाचा हैं नरेंद्र चाचा उनकी लड़की का जन्मदिन था उस दिन तो हमको नहीं पता था बट जाकर पता चला तो हम भी शामिल हुए सेलिब्रेशन में उसके जन्मदिन में तो वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया मैंने कभी अटेंड नहीं किया है कोई जन्मदिन इससे पहले गांव में बट उस दिन क्या बहुत मज़ा आया उस दिन तो यहाँ से झांकियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं इस बार झांकियाँ बहुत कम थी बट या पहले जब मैं छोटा था तब 10 या 12 झांकियाँ निकलती थी बट अब तो केवल 3 या 4 लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया तो यहाँ पर काली माता की जो झांकी होती है जो काली निकलती है वो पूरे गांव में निकलती है ऐसे ही घूमती है और अपना कर्तव्य वगैरह दिखाती है तलवार से और ये जो तलवार आप देख रहे हैं ये असली तलवार है तो ये इसका बहुत खतरा होता है कभी कभी लग भी जाती है तो खून वगैरह निकल जाता है तो मतलब बहुत खतरनाक तरीके से जो काली माँ है वो दिखाती है और ये रावण और अही रावण की जोड़ी यहाँ पर निकल रही है ये भी झांकी बहुत अच्छी लगी मुझे और जब आप आगे देखोगे तो वहाँ पर काली माँ अपना कर्तव्य दिखा रही है ये भी बहुत मजा है इनका आप डांस देखोगे तो और मजा आएगा आगे है तो भाई यहाँ से फाइनली स्टार्ट हो चुका है मेला रात का तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये बड़ा स्कूल है सामने आप देख रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेला
तो यहाँ पर फाइनली रावण के दर्शन हो चुके हैं। रात को कैसा लग रहा है? तो हमारा रावण कुछ इस तरह से दिख रहा है रात को, और यहाँ पर कैंडल छोड़ी जा चुकी है। और ये इतना आप क्राउड देख रहे हो, ये गांव है हमारा और आसपास के गांव हैं उसके लोग वाले, और पूरा मेला मतलब खचाखच भरा हुआ है। तो हमारे गांव में ये जो प्रथा है, इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा ग्राउंड है आसपास जो है लोग बाग रहते हैं, और बीच में जो है रावण को खड़ा करते हैं, और झांकियाँ वगैरह जो गाँव से आती है वो यहाँ पर घूमती है टहलती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसमें पूरी जो रावण है उसके मेन मेन दृश्य को दिखाया जाता है। और फाइनली जो है राम जी जो है वो रावण को मार देते हैं, और उसके बाद में रावण को फूंका जाता है। तो वहाँ पर मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि किसी दूसरे के मेले में आए हैं, बिल्कुल सेम ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर के ही मेले में आया हूँ। गांव की यही खास बात होती है, और अभी आप शहरों में घूमोगे तो उतना मज़ा नहीं आने वाला, बट मेरे को इतना मज़ा आया, इससे पहले कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना इस मेले में आया। तो हमारे रावण और यही रावण जो है वो कर्तव्य दिखाते हुए, और ये जो हैं जो रावण बने हैं ये मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आसपास ही हैं, तो साथ ही में पढ़े थे दोनों। तो ये जो रामायण है पहले 15 दिन तक जो है हमारे गांव में है, वहाँ पर रामलीला होती है, और उसके बाद में जब फाइनली जिस दिन रावण मरता है तो ये वाला तो चीज़ें होती है। और ये जो झांकी है ये भी बहुत सुंदर लगी मुझे, इसमें सभी लोग हैं, राम है, लक्ष्मण जी है। तो फाइनली रावण की आप चीज सुनी, और यहाँ पर मुझे लगा भाई ये बंदा गया, क्योंकि मुझे लगा कि तलवार वगैरह लग जाएगी इसके, और लगती रहती है तलवार, और यहाँ पर बम फूटने लगे हैं भाई, गजब मतलब गजब नज़ारा था उसे। और यहाँ राम लक्ष्मण की जोड़ी निकल चुकी है हनुमान जी के साथ में, और भाई भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मस्त तरीके से। ये अपना घर है मतलब गांव है अपना घर है, और बिल्कुल मज़ा आता, कोई मना नहीं करता, सब अपने लोग हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है हम कहीं हैं। तो ये दोनों दोस्त जो है खड़े, मैं एक बात सुन रहे बाहर से आए सभी दर्शकों का, रामलीला कमेटी के अंदर अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी का, ये अपने भैया है, सगले भाई है, और ये पूरी रामलीला कमेटी है जो रामलीला ऑर्गेनाइज करवाती है, और गेस्ट भी आते हैं यहाँ पर, विधायक वगैरह यहाँ पर शिवम, और यहाँ पर मैंने भी तलवार, यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं, और यहाँ पर फाइनली अही रावण और हनुमान जी का युद्ध चालू हो चुका है। तो ये युद्ध भी मतलब ये ऐसे कलाकार हैं कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, और गजब तरीके से युद्ध हो रहा था, ऐसा मतलब मैंने देखा नहीं है पहले किसी जैसे बाबा साहब पैदा किए हो,
जिस गांव ने राम कला जैसे एक महान महत्व गायक कलाकार पैदा किए हों, जिस गांव ने डंबर सिंह जैसे एक कबड्डी के प्लेयर पैदा किए हों, और आज भी उस गांव में विभूतियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। संजय सिंह आपके गांव के बहुत बड़े ठेकेदार जिले के हैं, और इस गांव से एक लड़का एक बच्चा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ है। मैं आपके गांव की लीला को देखकर बड़ा गदगद हूं, बहुत सालों बाद आया हूं, मेरा बड़ा नाता इस गांव से रहा है। तो फाइनली प्रतीक्षा की जो घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है। रावण बाहर निकल आया अपने महल से और युद्ध चालू हो चुका है राम और लक्ष्मण के साथ में। और ये मतलब फाइनली घड़ी होती है, जैसे ही रावण मरेगा तो रावण का पुतला जो है वो फूका जाएगा। तो पूरी जो रामलीला है वो इस ग्राउंड में आपको मेन मेन जो दृश्य हैं वो दिखाए जाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने को मिलेगा आपको, बट हमारे गांव में ये जो प्रथा है ये सैकड़ों सालों से चल रही है और ये ऐसे ही होती आ रही है। मैं तो पहले नहीं आता था, बट मैं अब ज़रूर आऊँगा, हर बार आऊँगा हर साल। तो यहाँ पर रावण जो है वो मार दिया गया है और सब लोग खुश हो चुके हैं, तालियाँ बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एपिसोड, रावण महाराज की जय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये जो है ये डीजे चल रहा है और यहाँ पे डांस हो रहा है, इसके बाद में जिसको नाच रहा है वो नाचो। मजा आ गया मेले में।